दरभंगा में जन अधिकार पार्टी का छठा स्थापना दिवस जाप के जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम खां उर्फ मुन्ना खां के आवास पर केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम खां उर्फ मुन्ना खां ने कहा कि गरीब के मसीहा पप्पू यादव, गरीब के मसीहा जेल में बंद हैं और जो चोर लोग हैं, जो एम्बुलेंस चोर हैं, वो बाहर हैं। जनता को चाहिए कि उनके समर्थन में आवाज़ उठावे। बिहार में पूरी तरह कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। पप्पू यादव जी ने किया था आज से 6 साल पहले, उसी के तहत मुझे अफसोस है ये बात कहते हुए कि जन सेवक जो जनता के प्रति समर्पित रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो या जो भी छोटे छोटा बड़ा मामला हो, आपको पप्पू यादव के अलावा कोई नहीं दिखेंगे। मैं अपनी बिहार की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कब तक आप पार्टी को वोट करते रहिएगा? एक बार जो आपके प्रति समर्पित रहा है, बाढ़ के टाइम में आपके लिए कमर तक पानी रहा है, फिर भी वो बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे हैं, बांध पर जाके सोए हैं, जहाँ पे कुत्ता नहीं सोता है वहाँ पर जाके बाढ़ पीड़ित सोए हैं। ये पप्पू यादव के सिवा और कोई बिहार में नेता नहीं कर सकता। आज आप देख लीजिए, पिछले 3 महीने से ज़्यादा बिहार के अंदर में लगता है कि बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, कहीं पर कोई विपक्ष बोलने वाला नहीं है, जबकि हत्याएँ खुलेआम हो रही है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, बाढ़ पीड़ित सिचकियाँ मार के रो रहे हैं, खाना पहुंचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज बिहार के अंदर में इसका पर्दाफाश करने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी लोग पर्दाफाश करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पप्पू यादव मौजूद है। आप देख लिए पप्पू यादव ने क्या किया, लगातार कोरोना काल में अपने जान को हथेली पर लेके लोगों के बीच में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर जाके जो हॉस्पिटल द्वारा जो दबंगई किया जा रहा था उसको रोकने का काम किया, और आखिरी में जब एक चोर गरीब का एम्बुलेंस चुरा कर रखा था उसका पर्दाफाश किया, तो उनको झूठे केस में फंसा कर अपहरण कर लिया गया है। ये निंदनीय है। और बिहार की जनता से मैं अपील करता हूँ कि अभी भी नहीं जागेगा तो कब जागेगा? आने वाला समय आप लोगों का है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, अगर कि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची बेखौफ होकर कहीं घूमे और जब उसको घर लौटने की कोई चिंता नहीं हो, तो समझ जाइए कि आप आराम से जी रहे हैं। वरना आज की स्थिति में जो स्थिति है, शराब माफिया खुलेआम घर घर शराब पहुंचा रहे हैं, जो ड्रग माफिया है क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू दवाओं का जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जिससे हमारे करता हूँ लोग यहाँ पहुँचे, मैं जितने भी लोग यहाँ पर आए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के लिए एक बात है, बिहार की जनता के लिए, अगर आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो याद रखिए आने वाले वक्त में कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। राजनीति चोर चौकी बन के रह जाएगी, सेवा करने वाला कभी कोई राजनीति नहीं करेगा।